केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी, राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, प्रशासन से जुड़े लोग, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थी भाई बहन और इस कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश के और मध्य प्रदेश बाहर के सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब से कुछ देर पहले मुझे कुछ साथियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। उनकी बातों में एक विश्वास भी है और एक उम्मीद भी नजर आती है। ये भरोसा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की मैं मानता हूं सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी ताकत है। आपके श्रम की ताकत को, आपके आत्मसम्मान और आत्मबल को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। देश भर के जो साथी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विशेष तौर पर मध्य प्रदेश और शिवराज जी की टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। उनके प्रयासों से सिर्फ 2 महीने के समय में मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी वालों को स्वनिधि योजना का लाभ सुनिश्चित हुआ है। कोरोना के बावजूद इतने कम समय में 4.5 लाख रेहड़ी पटरी वालों को पहचान पत्र देना, सर्टिफिकेट ऑफ वेडिंग देना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा काम है। मुझे विश्वास है कि अन्य राज्य भी मध्य प्रदेश के इस प्रयास से प्रेरणा लेकर के जरूर प्रोत्साहित होंगे और हिंदुस्तान के हर शहर में जितने भी हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हैं उनको बैंक से पैसा मिले इसके लिए आप सक्रिय प्रयास करेंगे। साथियों, दुनिया में जब भी कोई ऐसा बड़ा संकट आता है, महामारी आती है, तो उसका सबसे पहला और सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे गरीब भाई बहनों पर ही पड़ता है। अधिक बारिश हो जाए तो भी तकलीफ गरीब को, अधिक ठंड आ जाए तो भी तकलीफ गरीब को, अधिक गर्मी आ जाए तो भी तकलीफ गरीब को। गरीब को रोजगार का संकट होता है, उसके खाने पीने का संकट होता है, उसकी जो जमा पूंजी होती है वो खत्म हो जाती है। महामारी से ये सब विपदाएं अपने साथ लेकर के आ जाती है। हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, जो श्रमिक साथी हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले साथी हैं, इन सब से महामारी के संकट को इन सब ने बहुत ज्यादा महसूस किया है। अनेकों ऐसे साथी हैं जो किसी दूसरे शहर में काम करते थे लेकिन महामारी के दौरान उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा और इसलिए कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान पहले दिन से सरकार का, देश का ये प्रयास रहा है कि गरीब की जितनी दिक्कतें हम कम कर सके उसको कम करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करें। देश ने इस दौरान हमारे देश के ऐसे जो लोग तकलीफ में थे उनके खाने की चिंता की, राशन की चिंता की, मुफ्त गैस सिलेंडर भी दिए गए,
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाकर लाखों लोगों को इस दौरान रोजगार भी दिया गया। गरीबों के लिए निरंतर हो रहे इन कार्यों के बीच एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिस पर खास ध्यान देने की जरूरत थी। ये थे मेरे रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहन। रेहड़ी ठेले वाले हमारे लाखों साथियों का परिवार तो उनकी रोज की मेहनत से चलता है। कोरोना के कारण बाजार बंद हो गए, खुद की जान बचाने के लिए लोग घरों में ज्यादा रहने लगे, तो इसका बहुत बड़ा असर ये हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हैं उनके कारोबार पर पड़ा। उनको मुश्किलों से निकालने के लिए ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना का मकसद है कि वो लोग नई शुरुआत कर सके, अपना काम फिर शुरू कर सके, इसके लिए उन्हें आसानी से पूंजी मिले, उनको बाहर बहुत ब्याज देकर के रुपये लाने के लिए मजबूर न होना पड़े। ये भी पहली बार हुआ है कि रेहड़ी पटरी वालों के लाखों लोगों के नेटवर्क को सही मायने में सिस्टम से जोड़ा गया है, उनको एक पहचान मिली है। स्वनिधि योजना, स्वनिधि से रोजगार, स्वरोजगार, स्वरोजगार से स्वावलंबन और स्वावलंबन से स्वाभिमान की यात्रा का ये अहम पड़ाव है। साथियों, स्वनिधि योजना के बारे में आप सबको बता ही गया है। जिन साथियों से अभी मैंने बात की उन्हें इसकी काफी जानकारी है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि हर जरूरतमंद को, हर रेहड़ी पटरी वाले को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। इस योजना को ऐसे ही इतना सरल बनाया गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इससे जुड़ सके। अभी जैसे हमारी बहन अर्चना जी बता रही थी कि उनको एक दिन सरलता से काम हो गया, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है कि रेहड़ी ठेले वाले साथियों को कागज जमा कराने के लिए लंबी लाइनें नहीं लगानी होगी। आप कॉमन सर्विस सेंटर में, नगरपालिका कार्यालय में, बैंक की ब्रांच में जाकर अपना आवेदन अपलोड कर सकते हैं। यही नहीं, बैंक के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और नगरपालिका के कर्मचारी भी आपके पास आकर आपसे आवेदन ले सकते हैं। आपको जैसी सुविधा सही लगे आप उसका इस्तेमाल करें। सारी व्यवस्था इतनी सरल बनाई गई, इसके लिए प्रयास किया गया है। साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। इस योजना के तहत वैसे भी ब्याज में 7% तक की छूट दी जा रही है, ऑलरेडी 7% तो हम कम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये भी नहीं देना पड़ेगा। अब जैसे अगर आप समय पर यानी 1 साल के भीतर बैंक से लिए गए पैसों को चुका देते हैं तो आपको ब्याज में और नई छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, जब आप डिजिटल लेन देन करेंगे, अपने मोबाइल फोन से पैसा लेना और देना, थोक व्यापारी को भी मोबाइल से देना और जो आपका खरीद लेने के लिए आता है उनसे मोबाइल से लेना,
तो आपके खाते में सरकार की तरफ से इनाम के रूप में कुछ पैसे कैशबैक के रूप में भेजे जाएंगे। यानी सरकार आपके खाते में कुछ पैसे अलग से डालेगी। इस तरह आपकी जो कुल बचत होगी वो ब्याज से भी ज्यादा बचत हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप दूसरी बार ऋण लेंगे तो और भी ज्यादा ऋण की सुविधा होगी। अगर इस बार 10,000 मिला है और आपका अच्छा काम रहा और आपको 15,000 की जरूरत है तो 15,000 हो जाएगा, फिर अच्छा काम किया तो 20,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है। और अभी प्रारंभ में हमारे छगन लाल जी तो बता रहे थे वो 10 गुना करना चाहते, 1,00,000 तक पहुंचना चाहते हैं। ये जो सुनता हूं ना तो बड़ा आनंद होता है। साथियों, बीते 3-4 साल के दौरान देश में डिजिटल लेन देन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना काल में हम सब महसूस भी कर रहे हैं कि यह कितना जरूरी भी है। अब ग्राहक नकद पैसे लेने देने से बचते हैं, सीधे मोबाइल से ही पेमेंट करते हैं। इसलिए हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथी इस डिजिटल दुकानदारी में बिल्कुल पीछे न रहें। और आप कर सकते हैं। हमारे कुशवाहा जी के ठेले पर हमने देखा, उन्होंने QR कोड लगा के रखा हुआ है। अब बड़े बड़े मॉल में भी नहीं होता है जी। हमारा गरीब आदमी हर नई चीज सीखने को तैयार होता है। और इसके लिए बैंकों और डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने वालों के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की गई है। अब बैंकों और संस्थाओं के प्रतिनिधि आपके पते पर आएंगे, आपकी रेहड़ी ठेले पर आएंगे और QR कोड देंगे। उसका उपयोग कैसे करना है ये भी आपको वो बताएंगे, सिखाएंगे। मैं अपने रेहड़ी पटरी वाले साथियों से अपील करता हूं कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा लेन देन डिजिटल करें और पूरी दुनिया के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत करें। साथियों, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमारे जो खाने पीने का व्यवसाय करने वाले साथी हैं, जिसको हम स्ट्रीट फूड वेंडर भी कहते हैं, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने की भी योजना बनाई गई है। यानी बड़े बड़े रेस्टोरेंट की तरह ही रेहड़ी ठेले वाले भी अपने ग्राहकों को ऑनलाइन डिलीवरी कर पाएंगे। इस प्रकार की सुविधा देने का प्रयास चल रहा है और थोड़े ही दिन में आप लोग जरूर आगे आएंगे तो इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की कोशिशों से रेहड़ी पटरी ठेले वालों, फेरी वालों, उनका कामकाज और बढ़ेगा, उनकी कमाई और बढ़ेगी। साथियों, स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी एक और योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़ने वाले जो भी रेहड़ी पटरी वाले लोग होंगे, उनका जीवन आसान बने, उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। यानी रेहड़ी पटरी या ठेला लगाने वाले मेरे भाई बहनों के पास उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है या नहीं, उनके घर बिजली कनेक्शन है या नहीं, वो आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं या नहीं, उन्हें 90 पैसे प्रतिदिन और 1 रुपया महीना वाली बीमा योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं, उनके पास अपनी पक्की छत है या नहीं, ये सारी बातें उसको भी देखा जाएगा। और जहां कमी होगी पूरा करने के लिए सरकार सक्रिय रूप से प्रयास करेगी। जिस जिसके पास ये सब नहीं होगा उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। साथियों,
हमारे देश में गरीबों की बात बहुत हुई है। कई लोगों ने तो जिंदगी में बार बार गरीब गरीब ही बोलते रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए जितना काम पिछले 6 साल में हुआ है और बिल्कुल प्लानिंग से हुआ है, एक चीज के साथ दूसरी चीज, दूसरे से जुड़ी हुई तीसरी चीज, हर चीज की भरपाई हो और गरीबी से लड़ने की उसको ताकत मिले और खुद ही गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले, उस दिशा में एक के बाद एक कदम, अनेक नई पहलें उठाई गई हैं और ये पहले कभी नहीं हुआ जो 6 साल में हुआ है। हर वो क्षेत्र, हर वो सेक्टर जहां गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी अभाव में था, सरकार की योजनाएं उसका संबल बनकर आई है। आप याद करिए, हमारे देश का गरीब तो कागजों के डर से बैंक के दरवाजे तक ही नहीं जा पाता था। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से देश भर में 40 करोड़ से अधिक गरीबों के, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के बैंक खाते खुलवाए गए हैं। इन जनधन खातों से हमारा गरीब बैंक से जुड़ा और तभी तो आसान लोन उसे मिल रहा है। सूदखोरों के चंगुल से वो बाहर निकला है। इन्हीं बैंक खातों की वजह से गरीबों को बिना रिश्वत आवास मिल रहे हैं, किसानों को सीधी उनके बैंक खाते में मदद पहुंच रही है। कोरोना काल में ही पूरे देश की 20 करोड़ से अधिक बहनों के जनधन खाते में करीब 31,000 करोड़ रुपए जनधन योजना के कारण ही जमा हो पाए हैं। इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में 94,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। साथियों, हमारा गरीब इन वर्षों में जिस तरह जनधन खातों से, बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा है, उसने एक नई शुरुआत की है। अब बहुत जल्द शहरों की तरह हमारे गांव भी ऑनलाइन मार्केट से जुड़ेंगे। दुनिया का बाजार हमारे गांवों तक जुड़ जाएगा। इस बार 15 अगस्त को देश ने इसके लिए एक संकल्प लिया है। देश के सभी गांवों को अगले 1000 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा, यानी गांव गांव में, घर घर में तेज इंटरनेट पहुंचेगा। इससे डिजिटल क्रांति के फायदे भी उतनी ही तेजी से गांव तक, गरीबों तक पहुंचेंगे। इसी तरह देश ने डिजिटल हेल्थ मिशन की भी शुरुआत की है, यानी अब हर देशवासी को एक हेल्थ आईडी मिलेगी। आपकी सारी जानकारी सुरक्षित तरीके से उसमें रहेगी। इस आईडी की मदद से आप डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन ले सकेंगे और हेल्थ चेकअप और रिपोर्ट्स भी ऑनलाइन ही दिखा पाएंगे। यानी एक तरह से देखें तो पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से बीमा सुरक्षा मिली, फिर आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिला और अब डिजिटल हेल्थ मिशन से आसान इलाज की सुविधा भी मिलने जा रही है। साथियों, देश का प्रयास है
कि हर एक देशवासी का जीवन आसान हो, हर एक देशवासी समर्थ हो, सशक्त हो और सबसे बड़ी बात आत्मनिर्भर हो। हाल में सरकार ने शहरों में आप जैसे साथियों के उचित किराए में बेहतर आवास उपलब्ध कराने की एक बहुत बड़ी योजना उसको शुरू की है। एक देश एक राशन कार्ड की सुविधा से आप देश में कहीं भी जाएंगे तो अपने हिस्से का सस्ता राशन आप उस शहर में भी ले पाएंगे। आप जहां जाएंगे आपका हक भी आपके साथ साथ चलेगा। साथियों, अब जब आप नए सिरे से अपने व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं तब आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी होगी। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, कोई तरीका नहीं निकल आता, कोरोना का खतरा बना ही रहेगा। ऐसे में आपको अपनी भी और अपने ग्राहकों की भी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना है। मास्क हो, हाथ की साफ सफाई हो, अपने स्थान के आसपास की साफ सफाई हो, दो गज की दूरी हो, इससे किसी भी स्थिति में समझौता मत करना। कोशिश ये भी करनी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल भी न करें। आप कोरोना से बचाव के जितने इंतजाम अपने ठेले या अपनी पटरी पर करेंगे, लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा और आपकी दुकानदारी भी बढ़ेगी। आपको खुद भी नियमों का पालन करना है और सामने वाले से भी इसका पालन कराने के लिए आग्रह करते रहना है। मैं एक बार फिर आप सबको एक नई शुरुआत के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपका कारोबार भी फले फूले, इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।